अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी। आइए आज बनाते हैं झींगा तहेरी। तो आइए देखते हैं झींगा तहेरी बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पर ये आधा किलो झींगे लिए हैं और इसको मैंने साफ कर लिया है, ये आप देख सकते हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है झींगे, उसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा किलो ही चावल लिए हैं और चावल को मैंने भिगा कर रख दिया है, आप देख सकते हैं कि ये फूल गए हैं, 10 मिनट हो गया है भिगाए हुए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 आलू ले लेना है, क्योंकि मेरा ये आलू जो है ये बड़े वाले थे तो इसलिए मैंने 2 लिए हैं, अगर छोटे हों तो आप 3 ले सकते हैं। और उसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है, बड़े बड़े टुकड़े का मतलब है कि आप देख सकते हैं ये 1 इंच से ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़े हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन 1/4 कप मटर लिया है, ये फ्रोज़न मटर है इसलिए मैंने इसको वॉश करके रखा है, आप फ्रेश मटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो लिए हैं, इसको मैंने बस रफली चॉप किया है, बड़े बड़े टुकड़े, छोटे टुकड़े करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े रफली बस कट कर लेना है। 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ले लिया है। मसालों में देखिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून यानी 1 चम्मच भरकर हल्दी ली है, 1 टीस्पून भरकर ही मैंने जीरा पाउडर और वही 1 चम्मच भरकर मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। और बघार के लिए मैंने यहाँ पर मेथी दाना लिया है 1/2 चम्मच, ये बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और तहरी बहुत बेहतरीन बनती है। जो मसाले मैंने पीसना है उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने 1/2 कप भरकर यहाँ पर कोकोनट के टुकड़े लिए हैं यानी कि नारियल के टुकड़े, ग्रेटेड कोकोनट नहीं था मेरे पास इस वजह से ये जो टुकड़े थे वही मैंने ले लिए हैं। नमक मैंने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना है और घी मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच डालना है। हरी मिर्च, हरा धनिया और नारियल के टुकड़े जो है मैंने इस मिक्सर में डाले हैं, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट का वाला मसाला जो है पीस लेंगे। ये मसाला पीस कर हो गया है, ये आप देख सकते हैं अच्छा स्मूथ पेस्ट मैंने बना लिया है। पीसने के बाद ये मसाला तकरीबन 1 कप के करीब हो गया है। जिस बर्तन में पकाना है वो बर्तन मैंने चूल्हे पर रख दिया है और उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून भरकर घी डालना है, यानी कि मैं वेजिटेबल घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे देसी घी की खुशबू अच्छी नहीं लगती है इस वजह से मैं देसी घी नहीं इस्तेमाल करती हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर होता है कि हम देसी घी। घी जब गर्म हो जाए तब उसके अंदर ये जो मेथी दाना मैंने लिया हुआ था ये डाल देना है। मेथी दानों को थोड़ा सा हमने भूनना है, हल्का सा कलर उसका चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, उसके बाद हमने दूसरे मसाले डालना है। अभी आप देख सकते हैं मेथी दाना का कलर जो है चेंज हो गया है, ये ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, आँच मीडियम रखनी है, तेज़ आँच नहीं रखनी है और उसको भी मैंने भून लेना है, बस 10 से 15 सेकंड के लिए हम भूनेंगे इसको। और उसके साथ ही अब मैंने इसके अंदर ये जो मसाला पीस कर रखा था कोकोनट, हरी मिर्च और हरा धनिया वाला, ये मैंने पूरा का पूरा डालना है और इसको भी मैंने अच्छे से भूनना है मीडियम आंच पर। एक मिनट तक हमने ये मसाला भून लिया है, अब इसके अंदर ये जो सारे पाउडर मसाले हैं, हल्दी, जीरा और गरम मसाला पाउडर, ये मैंने डाल देना है। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो टमाटर कट करके रखी थी 2, वो भी डाल देना है और इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स करना है और भूनना है। हम ज़्यादा मसाले को भूनेंगे नहीं, बस थोड़ा सा भूनना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट, टमाटर को हमने पूरा गलाना नहीं है, बस इसके अंदर अच्छे से हम मसाले को भून लेंगे, आज भी हमने तेज़ नहीं की है। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए ये मसाले को। अब मैंने इसके अंदर ये जो प्रॉन्स रखे हुए हैं ये डाल देना है यानी कि झींगे, और इसको भी मैंने भूनना है। अब जबकि मैंने इसमें प्रॉन्स यानी झींगे डाल दिए हैं, इसमें पानी छूट जाएगा और थोड़ा सा ये गीला गीला सा हो जाएगा, हमने इसको भूनना है आज, अब चाहे तो हम तेज़ कर सकते हैं लेकिन ख्याल रखिए कि मसाला जले नहीं। मेरा बर्तन जो है ये स्टील वाला है तो इसमें जलने का ज़्यादा ख़तरा होता है, जल्दी से मसाला जो है नीचे लग जाता है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा ध्यान से भूनूंगी ताकि जले नहीं।
तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब मैंने इसके अंदर ये जो मटर रखे हुए थे ये भी डाल देना है, उसके साथ ही जो आलू लिए थे मैंने वो भी डाल देना है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाला चारों तरफ से कोट करेंगे। इसको अब बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, 1 से 2 मिनट हमने भूनना है। जैसे कि मैंने बताया मटर जो है वो फ्रोज़न है, जबकि मैंने इसको वॉश किया था लेकिन उसके बावजूद ये फिर से चिपक गए। इसको हम बस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सारा मसाला एक जान कर लेते हैं, आलू मसाले में पूरे मिक्स हो जाएं, बस उतना काफ़ी है, भूनना नहीं है हमने इसको ज़्यादा। ये तहरी की ख़ास बात यही है कि आपको इसके अंदर मसाला बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, बस जल्दी जल्दी से आपने उसके अंदर सारी चीज़ें डालना है, मिक्स करना है और चढ़ा देना है। लेकिन यकीन मानिए टेस्ट बहुत बेहतरीन आता है। ये बस मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। मैं बासमती राइस इस्तेमाल कर रही हूँ, तो जितना मैंने राइस लिया है उसका 1.5 गुना मैंने पानी डालना है। राइस क्योंकि 1/2 किलो लिया है तो इस वजह से 1.25 लीटर जो है मैं पानी इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। आइए नमक भी डालकर, नमक डालकर भी मिक्स कर लेंगे अब हम। ये मैंने इसमें ज़रूरत के हिसाब से नमक डाला है। अगर आप चम्मच से डालते हैं तो अंदाजे से डालिए और उसके बाद उसको टेस्ट ज़रूर कर लीजिए कि नमक कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। ये मैंने नमक डाल दिया और उसके बाद अब मैंने इसको ढक्कन लगाकर उबाल आने तक छोड़ना है। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है, ये देखिए। अब मैंने इसके अंदर चावल डाल देना है जो भिगा कर रखे थे चावल। तकरीबन अभी 20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं चावल भीगे हुए, ये मैंने इसमें डालना है। इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हमने डाल दिया था, अब बस मैंने इस पर ढक्कन रखना है और इसको मीडियम आंच पर बॉईल आने तक यानी उबाल आने तक पकने देना है। इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, ये देखिए। बस अभी मैंने इसके अंदर चम्मच चलाना है, नमक वगैरह भी एक बार फिर से चेक कर लेंगे और अब मैंने इसके अंदर चम्मच चलाना है, उसके बाद में मैंने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है। इसको एक बार सही से मिक्स कर लेते हैं वरना चावल टूटने लगेंगे अगर हम बहुत ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो। और बस अब मैंने ढक्कन नहीं रखना है, अभी थोड़ी देर मैंने इसको बगैर ढक्कन लगाए पकाना है। अब आप देख सकते हैं कि इसका पानी तकरीबन सूख गया है और ये बीच बीच में से बबल आना शुरू गए हैं। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर ढक्कन लगाना है, आँच बिल्कुल धीमी करनी है और इसको दम पर लगा देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं इसको दम पर लगाए हुए। अब देखिए ये हमारा हमारी जो तहरी है झींगा तहरी ये तैयार है। चूल्हा मैंने बंद कर देना है और इसको ऐसे ही ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद जब ये सेटल हो जाए तब मैंने इसको सर्व करना है। ये आसान और मज़ेदार सी झींगा बिरयानी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने सर्व कर दिया है, आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं या इसको ऐसे भी खाइए। ये बहुत मज़ेदार, बहुत आसान और बहुत टेस्टी लगेगी। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार झींगा तहरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।